दे मेरा न्यू कपड़ा। हाँ बाबू अपने से उठाता है अपना कपड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 10:21 और सो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी मैं बना रही थी रेसिपी। सो चना दाल की रेसिपी बना रही थी और अभी तो कंप्लीट हो गया है, बन चुका है फाइनली। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ पेज, तो पेज ख़त्म हो गया ना, तो पेज बना रही हूँ। और इधर हमारा सिलपट्टा लेके आई थी मैं दूसरे के घर से, तो इसको दो के ले जा देना है वहीं पे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं चना दाल को पीस के बनाई हूँ, इसका दाल बहुत ही अच्छी लगती है इसे। सो ये देखिए ये दाल है और ये वाला रेसिपी बनाई हूँ मैं। सो ये देखिए इसका रेसिपी बनाई, कैसा बना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना, बहुत ही टेस्टी लगती है वैसे। तो चलिए अभी इसको ना ढक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी पास का सब्जी उब्जी ले जाते हैं रूम में और पेज बना लेते हैं फटाफट से। लेट तो बहुत ही ज़्यादा हो गया और यहाँ पे धूप भी आ रहा है किचन रूम में। और इसको भी धो के ले जाना है सिलपट्टा को, उनके घर पहुँचा देना है, जो कि अभी पेज बनाते बनाते वो सब तो मैं कर लूँगी। और अभी मैं ना निकाल रही हूँ सिलपट्टा को, तो यही पास धोएंगे तो वहाँ पे पानी रहता है, उसी को मैं हल्का हल्का धो ली हूँ। और वहाँ से बाल्टी से मैं पानी लेके आके ना अच्छे से धो देती हूँ। और थोड़े से बर्तन थे ना सब्जी काटा वाला, तो उसको भी धो लेते हैं। सो फाइनली अभी हमारा पेज भी उबल चुका है। सो ये देखिए, और मैंने पास लकड़ियाँ तोड़ के लेके आ गई हूँ। सो वो पास था ना, तो वहाँ से पास लेके आ गई हूँ और अच्छे से इसको कर ली हूँ। सो अभी इसको ना सूखने के लिए यहाँ पे चूल्हा में डालेंगे, तो सबसे पहले पेज को उतार लेते हैं और फिर लकड़ियाँ डालेंगे। सो मैं पेज को उतार ली हूँ और लकड़ी मन को बाहर खींच ली हूँ। अब ना उठ लेती हूँ मैं भी, और पूरा धुआं आ रहा है मेरे फेस पे एकदम से, आँख जलन करेगा। और अभी मैं इसको उठा ली हूँ, तो इस चूल्हा में सुखा देंगे। ये देखिए, सो इसको ना अच्छे से डाल देते हैं फिर इस तरीके से। ये देखिए, सो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम खाएंगे खाना। सो ये देखिए मैं पास निकाल ली हूँ चावल, सब्जी और पेज, और उधर का मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी ना फटाफट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेट भी हो गया ना इसीलिए। और मैंने बाबू के लिए बचा के रखी, वो जब वो आएगा तो उसको खिला दूँगी। सो फ्रेंड्स, बाबू आंगनबाड़ी गया था ना, तो अभी आग गया है और थोड़ा सा लेट से आए। लेट से क्यों आए वो बाबू बताएगा खुद अपने से। सो मैं ना खाना वाना खा के ना थोड़ी देर लेट गई थी, और एडिटिंग करना था तो मैं वो करी। तो अभी बाबू बताएगा कि आज लेट से क्यों आए। बता बाबू, आज लेट से क्यों आए आप? सो बाबू बोल रहा है कि इन लोगों को ना आंगनवाड़ी में ना कपड़ा मिला नया वाला, न्यू कपड़ा, तो नहीं दिए थे ना, तो अभी दिए हैं। सो चलिए बाबू दिखाएगा अपने से। सो ये देखिए फ्रेंड्स, बाबू का न्यू शर्ट। और अच्छे से कर बाबू, अच्छे से दिखा दे हमारे YouTube फैमिली को। सो ये देखिए बाबू का न्यू ड्रेस, शर्ट और पेंट भी दिखा दे बाबू अच्छे से ले। सो ये देखिए पेंट, मेरा न्यू कपड़ा। बाबू का न्यू कपड़ा, एक्साइटेड बाबू? बाबू तो बहुत खुश है ना बाबू। बाबू को न्यू ड्रेस मिला है ना इसीलिए। बाबू तो बहुत खुश है। कल पहन के जाएगा ना बाबू? कल बाबू आंगनवाड़ी इसको पहन के जाएगा न्यू न्यू, कल देखने को मिलेगा बाबू पहनेगा न्यू ड्रेस। सो फ्रेंड्स, बाबू अभी कपड़ा उठाएगा ना बाबू। हाँ मैं इसको नीचे कर देती हूँ और बाबू उठाएगा। हाँ उठा अब कपड़ा, कपड़ा। हाँ बाबू अभी उठाएगा अपना कपड़ा ना बाबू।
बाबू अपने से उठाता है अपना कपड़ा और मेरे को दे रहा है, उठा के फिर मेरे को दे रहा है। ला सो चलिए ओपास मेरा कपड़ा भी है उसको उठा लेते, चढ़ 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 सो अभी हम करेंगे पोथई और उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसीलिए मैं अभी कुआं में आ रही हूँ पानी के लिए, के बाल्टी ले ली हूँ। सो चलिए फिलहाल पानी निकाल लेते हैं और फिर जाने के बाद करेंगे पोथई। और यहीं से डूबने हो जाता है तो मैं ऐसे ही ढूंढूंगी। सो ये देखिए, सो ये रहा हमारा पानी, तो पानी मैं ले ली हूँ। सो चलिए फिलहाल चलते हैं रूम में और फिर लग जाती हूँ अपने कामों में। सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए अपने किचन रूम में, तो सबसे पहले अपना लकड़ियाँ उठा लेते हैं चूल्हा से और फिर अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं और जितना भी वहाँ पे राग रखा हुआ है ना उसको अच्छे से निकाल के फेंक देते हैं। और इधर अभी आ गए हम, मिट्टी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ये देखिए झिल्ली में थोड़ा सा ही है, तो सभी मिट्टी को मैं निकाल ली हूँ और थोड़ा सा गोबर के साथ मिला के ना अच्छे से मिक्स करके पानी में डाल देते हैं और पानी में भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए कपड़ा के साथ में और ले जाते हैं किचन रूम में। सो अभी हम आ गए हैं रूम में, किचन रूम में। सो सभी तरफ ना मैं अच्छे से पोथई कर देती हूँ पहले। When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं गोबर के लिए। सो बाड़ी में ना गाय बैल मन है, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं, तो अगर मिलेगा तो लेके आएंगे। और मैं बाल्टी ले ली हूँ ये देखिए और हाथ में डाल ली हूँ इस तरीके से। गाय को देखो मेरे पास आ गया, मस्त वाह, सो मस्त अपना चारा चर रहा है देखिए। चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करते नहीं तो मेरे को फिर उठा के पटक देगा। और हमको नए पास मिल गया तो इसको उठाते हैं ये देखिए तरीके से और इसमें डाल देते हैं। और ये पास भी इसको भी उठाते हैं, और रात को ना पोंछ लेते हैं इस तरीके से। सो फ्रेंड्स मेरे को ना लकड़ी भी मिल गया और गोबर भी मिल गया, देखिए नीचे मैं रखी हूँ बाल्टी को, तो लकड़ी भी मिल गया तो मैं लेके आ गई हूँ सूखी सूखी लकड़ियाँ, तो खाना बनाने के लिए हो जाएंगे वैसे। सो चलिए ये पास ना इसको फार करके जाना है, यहाँ पे पूरा मतलब थार वगैरह लगाए हुए हैं। अरे कहाँ फंस गई। सो चलिए पहले इसको ना उधर पहुँचाते हैं और फिर हाथ मुँह धोएंगे, पूरा गोबर गोबर हो गया हाथ तो भी, तो और पूरा मुँह भी पसीना पसीना हो गया, तो हाथ पैर थोड़ा सा धो लेते हैं, इसको रख देती हूँ पहले। सो फाइनली मैं ना इधर आ गई हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे है हमारा लकड़ी, तो मैं ना इसको ना यहीं पे रख देती हूँ इस तरीके से। वहाँ पे रख दी हूँ। अरे और अब गोबर को लेते हैं और वो पास मैं ना मिट्टी वगैरह रखती हूँ ना, तो वही पास रख देते हैं गोबर को, फिर पोताई करने के भी काम आएंगे और लिपाई वगैरह करने के लिए वहीं पर डालने के लिए काम आएंगे, और फिर आंगन में लीपना होगा तो भी काम आएंगे। तो पहुँच गई हूँ मैं ये पास। सो चलिए इसको पहले ना मैं रख देती हूँ। सो अभी हम ना हाथ मुंह भी धो लिए हैं और अभी ना कंघी उंगी करेंगे, बाल में मैं तेल वेल डालूंगी, तो बाल में तेल नहीं डालने से फिर से दुख था है ना, तो इसीलिए। और उधर गई थी ना बाड़ी साइड, तो मेरे कपड़ा में ना पूरा काटा मन
वहाँ पे लग गए हैं काटा मन पूरा कपड़ा में, नीचे नीचे में एकदम से। तो इसको भी निकालना है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो चलिए पहले रूम में चलते हैं और थोड़ा सा कंघी उंगी कर लेते हैं और बाबू कहाँ गया तो उसको भी देखेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा काटा मन लग गया है। ये देखिए इसको निकालना पड़ता है, नहीं तो इधर से ना चुभता है, इधर भी रहता है तो वो चुभता रहता है, तो पूरे तरफ गड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा तरफ लग गया है। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी मैं कंघी उंगी कर ली हूँ और बाल में तेल भी डाल दी हूँ, तो अब सही है, अब ठीक लग रहा है। सो अभी होने वाला है शाम और अभी टाइम हुआ है 5:25। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बनाएंगे खाना और बाबू गया है खेलने, उसको अभी लेने जाऊंगी। सो इसी के साथ ना आज की इस छोटे से वीडियो को करते हैं एंड। सो आज का हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स बाबू ये देखिए यहाँ पे खेल खेल के रेती में, यहाँ पे पूरा रेती रखा हुआ है। क्या बना रहा है बाबू? केक। सो फ्रेंड्स बाबू बना रहा है केक। केक काटेगा बाबू, काट बाबू केक काट। ये देखिए इस तरीके से बाबू अभी काट रहा है केक, ऐसे काटते हैं और लगा रहा है अपने फेस पे उसको भी लगा रहा है।